दुर्योधन की पत्नी भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। सबसे पहले जानते हैं कि दुर्योधन और भानुमति का विवाह कैसे हुआ। जब भानुमति जवान हुई तो भानुमति के पिता चंद्रवर्मा ने उसके लिए विवाह का स्वयंवर आयोजित किया। स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र और दुर्योधन और कर्ण समेत कई राजा आमंत्रित थे। मान्यता है जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी तो दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब भानुमति दुर्योधन के सामने से आगे बढ़ गई तब दुर्योधन ने भानुमति के हाथ से माला झपट कर खुद ही अपने गले में डाल ली। यह देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। दुर्योधन ने सभी योद्धाओं को कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। जब दुर्योधन भानुमति को लेकर हस्तिनापुर पहुंचा तो उसका सबने विरोध किया। इसके बाद दुर्योधन ने कहा कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अम्बा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके लाए थे। यह तर्क सुनकर सभी शांत हो गए और दुर्योधन का विवाह भानुमति के साथ हो गया। कहते हैं कि दुर्योधन से विवाह के बाद भानुमति और कर्ण में भी मित्रता हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की भांति रहते थे। एक बार दुर्योधन की पत्नी भानुमति और कर्ण शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी दुर्योधन को आते देख भानुमति ने खड़े होने का प्रयास किया, लेकिन कर्ण को दुर्योधन के आने के बारे में पता नहीं था। इसलिए भानुमति ने जैसे ही अपने स्थान से खड़े होने की कोशिश की, कर्ण ने भानुमति का हाथ पकड़कर उससे बिठाना चाहा। इस दौरान भानुमति के हाथ के बदले उसकी मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर टूट गई और तभी दुर्योधन कमरे में आ गया। भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक ना हो जाए। परंतु दुर्योधन अपने मित्र कर्ण पर बहुत विश्वास करता था। इसके बाद दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि मित्र, मोतियों की माला तो उठा लो। इसके बाद दुर्योधन जिस उद्देश्य से आया था उस संबंध में कर्ण से चर्चा करने के बाद वापस चला गया। दुर्योधन कर्ण पर इतना विश्वास करता था कि उसने कर्ण पर शक नहीं किया। कहते हैं कि भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से भी काफी शक्तिशाली थी। भानुमति की सास गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन भानुमति से कई बार हार भी जाता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।